everybody, my name is Sarneel. Today I teach you about relationship of biology with other science. So last time हमने biology के main reason और branches को discuss किया था. आज के lecture में हम biology का दूसरे science subject के साथ क्या ताल्लुकात है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम biochemistry देखेंगे कि chemistry के branch है bio में, इसको आपको पता है life और chemistry में chemicals. अब ये देखना है कि केमिकल्स जो है उनका लाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि बायोलॉजी के साथ क्या अंतर. अगर हम अपनी बॉडी की तरफ नज़र डालें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, यानी कि जो नई नई चीज़ें परफॉर्म हो रही है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, जो फैट्स बन रहा है, वो सबके सब केमिकल की मदद से बन रहा है. और अगर हम ये देखें कि प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, प्लांट्स रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, वो भी केमिकल के जरिए अपना फूड बनाते हैं, वो भी केमिकल के जरिए ही जो है रिस्पायरेशन करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है उसका बायोलॉजी के साथ जो केमिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है. दूसरी हमारे पास आती है बायोफिजिक्स क्या है. बायोफिजिक्स जो है वो फिजिक की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें सबसे पहले तो हमें एक जानदार उसका स्ट्रक्चर मिले, फॉसिल्स जानदार हो जैसे डायनासोर्स वगैरह, अगर उसका स्ट्रक्चर मिले तो ये बायोफिजिक की मदद से हम उनकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ओल्ड हो सकता है. इसके अलावा बायोफिजिक्स में फिजिक्स की एक और सब ब्रांच होती है रेडियो एक्टिव में क्या करते हैं कि हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं. उसके बाद अगर आप देखेंगे बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स का और क्या किरदार है, तो ये एक्ट्रासोन मशीनें जो हॉस्पिटल में आप देखते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी जो लेजर के जरिए ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ये भी सब जो है ये फिजिक्स की ही एजादी, ये फिजिक की ही टेक्नोलॉजी है. और इसमें इसको हम किसमें यूज कर रहे हैं, इसको हम अपनी लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज कर रहे हैं. तो ये जो है बायोफिजिक्स जो फिजिक्स है इसका भी बायोलॉजी के साथ बहुत बड़ा संबंध है. इसके साथ हम इसके बाद देखते हैं बायोमेट्रिक बायो मीन लाइफ, मेट्रिक मीन देयर मीन. ये मैं सिंपली एक एग्जाम्पल देकर समझा दूँ. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपना कोई भी जो है टेस्ट करवाते हैं, और आप जब टेस्ट करवाते हैं तो जब आप अच्छा डॉक्टर को देते हैं तो आप उस पर्चे पर देखते हैं आपके वाइट ब्लड सेल की अमाउंट लिखी होती है, रेड ब्लड सेल की अमाउंट लिखी होती है, होमोग्लोबिन लिखा होता है, प्रोटीन लिखा होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन लिखी होती है. तो यानी कि हमारी बॉडी के जो अमाउंट है उनकी मेयरमेंट, ठीक है, उनके अमाउंट की जो क्वान्टिटी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोमेट्रिक में. तो हम ये भी कह सकते हैं मेट्री मीन्स मेयरमेंट होता है, पैमाइस किसी भी चीज़ को तोड़ना. तो बायोमेट्री जो है मेट्री एक मैथमेटिक की शाख है, इसका भी बायोलॉजी के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है. उसके बाद हमारे पास आती है बिहेवियर बायोलॉजी में हम किरदार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जानदारों का किरदार. और बिहेवियर बायोलॉजी ही की मदद से हम जो है इंटरसेक्शन करते हैं दूसरी ब्रांचेस को. फिर जैसे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद हमारे पास जो है इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इनका जो इंटरसेक्शन कर रही है, इनको जो एक दूसरे से जुदा कर रही है, वो बिहेवियर बायोलॉजी कर रही है. इसके बाद लास्ट हमारे पास है सोशल बायोलॉजी में भी हम किरदार के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सामाजिक किरदार. अगर खुद पर नज़र डालें, अगर हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, और फिर वही लाइफ को हम अपने पर अप्लाई करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है इससे. तो सोशल बायोलॉजी हमें जनरली लाइफ के बारे में बता रही है कि अगर आप ज़िंदगी के बारे में पढ़ोगे और फिर आप उस ज़िंदगी के बारे में पढ़ने के बाद आप खुद को अप्लाई करो उसको, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर बन सकती है. थैंक यू.